हिंदू धर्म में शनि भगवान को काफी ज्यादा सच्चे मन से पूजा जाता है, माना जाता है। जो भी बहुत ज्यादा मन लगाकर शनिदेव की पूजा पाठ करता है या फिर यूं कहें कि शनिदेव का दीदार या आवाहन करता है, तो शनि महाराज उसको बहुत ज्यादा मनचाहा फल देने से बिल्कुल भी नहीं चूकते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर इनकी पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की अगर कोई कोताही बरती जाती है तो शनि उसका सर्वनाश भी कर देते हैं। इसलिए शनिदेव को हिंदू धर्म में न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है और माना जाता है कि न्याय का नाता धर्म के पालन से है और अच्छे बुरे कर्म न्याय का आधार भी होते हैं। लेकिन शनि अपने उन भक्तों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं जो उनकी बहुत ज्यादा आराधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। लेकिन आपको बता दें, कई बार ऐसा होता है कि शनि के आशीर्वाद के बाद भी हमारी जिंदगी में हमारी कुंडली और राशि के अनुसार जब ग्रह परिवर्तन करते हैं तो उसका असर भी हमें जरूर देखने के लिए मिलता है और उसी के चलते हमें अच्छे बुरे का सामना भी करना पड़ता है। व्यापार में, कारोबार में हमें नुकसान झेलना पड़ता है। काफ़ी सारी मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी हमें मनचाही सफलता नहीं मिल पाती है और हम अपने आप को कोसते हुए नजर आते हैं। लेकिन ऐसा ही नहीं है, ये सब हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होते हैं और ज़िंदगी के अनुसार ये सब चलता रहता है। तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय के हिसाब से इसका सामना करने की आवश्यकता होती है। लेकिन आपको बता दें, आज शनिदेव काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न नजर आ रहे हैं क्योंकि आज शनिवार का दिन है और साथ ही आज शनि अमावस्या भी है, तो दोनों के चलते शनिदेव की सीधी दृष्टि इन तीन राशियों के जातकों पर पड़ चुकी है। अब इनको मनचाहा लाभ, मनचाहा प्यार भी जरूर मिलने वाला है। इनकी ज़िंदगी में अब किसी भी बात की कोई भी कमी नहीं रहेगी। व्यापार में, कारोबार में इनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जो लोग काफ़ी लंबे समय से नौकरी को लेकर परेशान थे तो उनकी भी नौकरी के पूरे चांस बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं सेहत की अगर बात की जाए तो सेहत को लेकर जो लोग दिक्कत का सामना कर रहे थे, काफ़ी लंबे समय से बीमारी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी, तो ऐसे लोगों के लिए फ़ायदा ज़रूर होगा। वहीं बात की जाए पुराने कर्जे की, जो आपके ऊपर पुराना कर्ज बना हुआ था जिसके लेकर आप काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे, परेशान थे, तो उस कर्जे से भी आपको मुक्ति ज़रूर मिलेगी। कल्याण होने से आपका कोई भी नहीं रोक सकता है। वहीं आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर कौन सी हैं वो तीन राशियां जिनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है और शनि महाराज का उनको आशीर्वाद मिलने वाला है। वो राशि है धनु राशि, कन्या राशि और वृषभ राशि। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से आकाश की रिपोर्ट।